1966 की और बात चल रही थी कि माया रूपी रावण उस पर विजय पाने के लिए तुम बच्चों को बाप ने अडॉप्ट किया। जैसे लौकिक दुनिया में कोई बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी गोद का बच्चा बना लेते हैं, ऐसे ईश्वर बाप ने भी आकर के ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को अपना बच्चा बनाया है, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाया है, क्योंकि वो ईश्वर बाप निराकार है। निराकार की यादगार शिवलिंग है, उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं होते हैं। गांव-गांव में शहर शहर में मंदिर बने हुए हैं निराकार की यादगार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, मुख नहीं है तो कोई काम नहीं करता है। जैसे गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती है, वैसे सुप्रीम सोल बाप शिव भी प्रवेश करते हैं। कोई न कोई मनुष्य आत्मा में प्रवेश जरूर करते हैं, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है, वो इस सृष्टि पर आते ही है माया रावण पर जीत पहनाने के लिए। आज की दुनिया में सारे ही मनुष्य मात्र माया रावण से हारे हुए हैं। माया कोई धन संपत्ति को नहीं कहा जाता है, माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हर मनुष्य को दबोचे हुए हैं, इनके संघात को ही माया रावण कहा जाता है। सारी दुनिया में माया रावण का राज्य है, अभी उस पर जीत पहनाने के लिए भगवान बाप को कलयुग के अंत में आना पड़ता है। कोई कहते हैं कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, 40,000 वर्ष का तो ये षष्ठी रूपी चक्र भी नहीं है, जिसमें चार युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चार सीन का ड्रामा है। 2,500 साल की मनुष्यों को हिस्ट्री मिल रही है, उससे पहले की कोई हिस्ट्री मनुष्य के पास तारीख वाइज नहीं है। जो हिस्ट्री मिल रही है वो मानवीय सृष्टि की हिस्ट्री मिल रही है। भगवान ने तो आकर के मनुष्य नर को नारायण बनाया था, नारायण जैसा देवता बनाया था। देवताएं सतयुग त्रेता में होते हैं, द्वापर कलयुग में द्वैतवादी मनुष्य जब से आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, उन्होंने आकर के देवताओं की मत में दूसरी मत ऐड कर दी, तो द्वैत मत शुरू हो गया। एक ही घर में अगर दो मतें हो तो घर में झगड़ा जरूर होगा। ये षष्ठी भी परमात्मा बाप का घर है, वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतवासियों का नारा तो है, लेकिन सारी वसुधा कब कुटुंब थी, कब भगवान ने आकर के सारी दुनिया को एक परिवार बनाया था, ये कोई नहीं जानता। वास्तव में 2,500 साल की जो हिस्ट्री मिल रही है वो मनुष्य गुरुओं की हिस्ट्री मिल रही है। इब्राहिम ने आकर के इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने आकर के बौद्ध धर्म स्थापन किया, क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, मोहम्मद ने आकर मुस्लिम बनाए, और शंकराचार्य ने आकर के सन्यासी बनाए, गुरु नानक ने आकर सिख धर्म स्थापन किया। ये मनुष्य गुरुओं की स्थापन की हुई धर्म की जो बातें हैं,
जो धर्म के वितंडावाद है वो स्थापन हुए। अभी अभी बाप बताते हैं कि मनुष्य गुरुओं द्वारा सृष्टि का उत्थान नहीं होता है, सृष्टि नीचे गिरती चली जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ते चले जाते हैं, मनुष्य मनुष्य से नीचे गिर करके राक्षस बनता चला जाता है। राक्षस उसको कहा जाता है जो दूसरों को दुख देता है, देवता उनको कहा जाता है जो दूसरों को सुख देते हैं, दुख कभी नहीं देते। देवता माने देने वाले। रावण उनको कहा जाता है जो रुलाते हैं। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आज सारी सृष्टि को रुलाए रहे हैं। इनका मूल है देह अभिमान, अपन को देह समझना और दूसरों को देह मिट्टी के रूप में देखना। देह मिट्टी को देखते हैं तो आत्मा भूल जाती है, लेकिन इस शरीर के अंदर आत्मा ही असली चीज है। जो ब्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, जिसकी यादगार में बिंदी या टीका लगाते हैं, ऋषियों महर्षियों ने बिंदी टीका लगाने की रसम रिवाज इसलिए डाली कि टीका और बिंदी को देख करके लोगों को स्मृति आ जाए कि हम आत्मा हैं। लेकिन टीका और बिंदी लगाई जाने लगी और आत्मा भूल गई। अभी बाप कहते हैं ये कुछ भी दिखावा करने की दरकार नहीं है, न बिंदी लगाना न टीका लगाना, अपने को आत्मिक स्मृति में टिकाना है। हम ब्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा आत्मा हो, ऐसी स्मृति रखने से अपने को भी आत्मा समझेंगे और दूसरे को भी आत्मा के रूप में देखेंगे। जब आत्मिक रूप में देखेंगे तो स्त्री पुरुष का देहभान खलास हो जाएगा। स्त्री पुरुष का देहभान आता है तो काम विकार आता है। जो विकारों का मुखिया है, कहते हैं शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया, ये काम महाशत्रु अगर भस्म हो जाए तो बाकी चोर डकैत जो क्रोध लोभ मोह अहंकार वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। ये युक्ति आकर के परमात्मा बाप ही बताते हैं, कोई मनुष्य गुरु या कोई भी धर्म पिता आकर के नहीं बता सकता। ये गीता का ज्ञान भगवान स्वयं बाप आकर के मुख से सुनाते हैं, गीता कोई लिखी हुई ला करके नहीं देते हैं। कोई भी धर्म पिता है मुख से आकर के सुनाते हैं। कुरान मोहम्मद ने आकर के लिखी नहीं, क्राइस्ट ने आकर के बाइबल लिखी नहीं, लिखी लिखाई मनुष्यों को नहीं दी, उन्होंने आकर के बोला। ऐसे ही गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब लिख के नहीं दिया, पढ़ करके नहीं सुनाया, वो उन्होंने मुख से बोला। ऐसे ही परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाते हैं। तो शास्त्रों में ये यादगार लिखी हुई है कि ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली, वेद निकले। विद माने जानकारी, वेद माने जानकारी का शास्त्र। तो ब्रह्मा के मुख से अभी प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप ने जो ज्ञान सुनाया है वो वेद वाणी हमारे सामने आ गई, वही हम आपके सामने पढ़ करके सुनाए रहे हैं। ये वेद वाणी है, लेकिन भगवान ने तो गीता ज्ञानामृत सुनाया है। उस वेद वाणी का जब मनन चिंतन मंथन किया जाता है तो मंथन करने के बाद जो अमृत निकलता है वो है गीता ज्ञानामृत। अभी प्रैक्टिकल ये सारा कार्य चल रहा है, और जो दूसरे दूसरे धर्म है
जो तामसी तेज को पाए हुए हैं, धर्म के नाम पर धतिंग के रूप में फैले हुए हैं सारी दुनिया में, उन सब धर्मों का विनाश करता है और एक सब धर्म देवता धर्म की स्थापना करता है जिसे कहते हैं सनातन धर्म। वो सनातन धर्म का स्थापन करने वाला बाप परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आ चुका है और आकर के वो गीता ज्ञान सुनाए रहा है। माउंट आबू से उसकी शुरुआत हुई। माउंट आबू में ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाई, वो वाणी गांव गांव में, शहर शहर में, देश विदेश में, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुनाई जा रही। लेकिन ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण पैदा हुए, वो दो तरह के ब्राह्मण पैदा हो गए। एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण और दूसरे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुट्ठी भर तादाद वाले। ये दो प्रकार के जो ब्राह्मण हुए उनमें एक है कुखवंशावली, जिन्होंने दैहिक प्यार ज्यादा लिया, गोद का प्यार लिया, और दूसरे हैं मुखवंशावली, जिन्होंने परमात्मा बाप की मुख से सुनाई हुई वाणी पर ज्यादा ध्यान दिया। तो मुख की वाणी को जिन्होंने ज्यादा महत्व दिया वो हुए मुखवंशावली ब्राह्मण। मुखवंशावली श्रेष्ठ है, वो देवता बनते हैं, और जो कुखवंशावली है ब्रह्मा के मुख को ही देखते रहे, गोद का प्यार लेते रहे और अभी भी उस देहधारी को याद करते हैं। भले ब्रह्मा के मुख से भगवान ने ये सुनाया कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इसके चित्र नहीं रखने हैं, तो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे ढेर देखे जाएंगे जो चित्र ब्रह्मा का ही लगाते हैं और ब्रह्मा को ही याद करते हैं। और उसमें प्रवेश की हुई जो शक्ति है निराकार शिव ज्योतिबिंदु, उसको भूले बैठे हैं, उसकी वाणी को भी भूले बैठे हैं। जो परमात्मा ने वाणी सुनाई थी, जो उस समय टैप रिकॉर्डर में टैप भी हुई थी, उस वाणी को उन्होंने नष्ट कर दिया। जो साइक्लो स्टाइल में वाणी तैयार करके रखी गई थी उस समय, उसकी भी कदर नहीं की, वो भी फाड़ फूड़ करके फेंक दी। दूसरे दूसरे धर्म संप्रदाय होते हैं, वो अपने धर्म ग्रंथ की कितनी कदर करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की सिख लोग कितनी कदर करते हैं, उसमें कोई भी मिक्सरिटी नहीं होने देते। कुरान शरीफ में कोई भी मिक्सरिटी नहीं होने दी, उसकी कितनी महिमा करते हैं। और यहाँ ब्राह्मण अपन को कहलाने वाले, वो भगवान की वाणी को उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया। टैप रिकॉर्ड में टैप की हुई वाणी तो ज्यों की त्यों होती है, वो ज्यों की त्यों वाणी ही अगर नेस्त कर दी जाएगी तो जरूर उसमें मैच्योरिटी होना शुरू हो जाएगी। ये काम किसने किया? उन ब्राह्मणों ने किया जो ब्राह्मण सतयुग त्रेता में देवता तो बनते हैं, कम कला वाले, पूरे 16 कला संपूर्ण नहीं बनते, लेकिन द्वापर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म फैलाते हैं, तो वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट होने के कारण वो भारतवासियों को धोखा दे देते हैं। नहीं तो हिंदुओं की जनसंख्या भारत में सबसे जास्ती होनी चाहिए, हिंदुओं की जनसंख्या दुनिया में सबसे कम क्यों रह गई? क्योंकि हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। जो पहले देवता थे वो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहलाने लगे और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। वही कन्वर्ट हुई आत्माएं आखिरी जन्म में माउंट आबू में पहुंच करके
नंबरवार ब्राह्मण बनते हैं, कोई कुखवंशावली बनते हैं, कोई मुखवंशावली बनते हैं। जो कुखवंशावली बनते हैं वो देह की याद को भुलाए नहीं पाते, आत्मिक स्थिति में टिक नहीं पाते, क्योंकि भगवान की वाणी के विपरीत आचरण करते हैं। अपनी भारतीय परंपरा में ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं पूजी जाती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा कार्य संपन्न नहीं हुआ, सिर्फ ब्राह्मणों की पैदाइश हुई, लेकिन ब्राह्मण सो देवता नहीं बने। और ये बात अभी प्रैक्टिकल में भी देखी जा रही है। माउंट आबू से जिस ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने वाणी चलाई, वो ब्रह्मा शरीर छोड़ गया, देवता कोई नहीं बना, ब्राह्मण तो बने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पवित्रता को धारण करने वाले ब्राह्मण बने हैं। कोई ने ज्ञान लेने के बाद साल भर, कोई ने 6 महीने, कोई ने 2 साल, कोई ने 8 साल, कोई जीवन भर अपने ब्रह्मचर्य जीवन में पवित्र रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नंबरवार ब्राह्मण तो तैयार हुए हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों में मिक्स हैं, इसलिए ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई है। सांडिल गोत्र का ब्राह्मण, भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण, कश्यप गोत्र का ब्राह्मण, जो 9 कुरियां गाई हुई है, ये आज दुनिया में फैले हुए जो 9 मुख्य धर्म है, नास्तिक धर्म सहित 10 धर्म, उन धर्मों से ही चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं आखिरी जन्म में माउंट आबू में पहुंच करके ब्राह्मण बनती है। वो ब्राह्मण सब नंबरवार है, उनमें अव्वल नंबर का सूर्यवंशी ब्राह्मण एक ही कुरी है, जो मुखवंशावली मुट्ठी भर ब्राह्मण। शास्त्रों में उनको 5 पांडव कह दिया है, उंगलियों पर गिने जाने योग्य 5, ज्यादा नहीं। वही 5 पांडव भगवान के सहयोगी बनते हैं, मुख से सुनी हुई गीता ज्ञान को महत्व देते हैं और ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं, जिसके आधार पर उनका जीवन ऐसा बन जाता है कि वो 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है और ब्राह्मणों में जो 2 प्रकार के मुख्य ब्राह्मण तैयार होते हैं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे आतताई ब्राह्मण और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण जो है वो परमात्मा बाप के सिखाए हुए रास्ते को पूरा फॉलो करते हैं। वो जान लेते हैं कि रावण क्या है और राम क्या है, कृष्ण की आत्मा आखिरी जन्म में आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा बनती है और राम की आत्मा आखिरी जन्म में आकर के शंकर का पाठ बजाती है। ये 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिन 3 मूर्तियों के द्वारा सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। इसलिए यादगार में आज भी झंडा ऊंचा रहे हमारा तिरंगा झंडा फहराते, वो कपड़े के झंडे से विश्व विजय नहीं होती है, ये शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, जिन शरीर रूपी 3 वस्त्रों के द्वारा ये सारी सृष्टि को ज्ञान दे करके आसुरी सृष्टि से देवताई सृष्टि में परिवर्तन किया गया। अभी वो कार्य प्रैक्टिकल चल रहा है, भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण स्थापन हो गए, ब्राह्मण धर्म बन गया, लेकिन उन ब्राह्मणों में से जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो अभी भी जैसे कृष्ण की सोल ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाती है, वैसे आखिरी जन्म में राम की सोल
राम की आत्मा आखिरी जन्म में आकर के शंकर के रूप में नाम रूप से प्रत्यक्ष होती है। दो ही आत्माएं हैं शक्ति रूपी रंगमंच पर जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती है, राम और कृष्ण। कलयुग के अंत में जब सृष्टि परिवर्तन करनी होती है, कलयुग से सतयुग बनना होता है, तो ये तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु कोई चार भुजा का व्यक्तित्व तो नहीं होता है, दो भुजाएं स्त्री रूप और दो भुजाएं पुरुष रूप, राम कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्तियां सीता और राधा, ये चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन जो है वो ही विष्णु कहा जाता है। कृष्ण की शोल मृदुल रूप में पार्ट बजाती है, माँ का पार्ट बजाती है, इसलिए शास्त्रों में नाम दिया ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, माने सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ, जिससे ज्यादा प्यार और सहानुभूति कोई दे नहीं सकता। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो पुराने हो, बैठे हो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, उनसे जाके पूछिए कि ब्रह्मा बाबा ने जितना प्यार दिया उतना दुनिया में किसी ने और ने तुमको प्यार दिया, तो मना करेंगे कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना कोई नहीं दे सकता। भले 10 मिनट के लिए कोई आत्मा मिली हो, वो भी यही कहेगी कि बाबा जितना हमको सहानुभूति देते थे, स्नेह देते थे, उतना कोई दे नहीं सकता। इससे साबित हुआ कि वो निराकार ईश्वर इस सृष्टि पर आकर के कृष्ण के अंतिम चोले में ब्रह्मा का पार्ट बजाता है, बड़ी माँ का पार्ट बजाता है। इसलिए गायन है त्वमेव माता च पिता, त्वमेव पिता बाद में बनता है, पहले माता के रूप में छोटे छोटे बच्चों को जन्म दे करके उनकी ज्ञान दुग्ध से पालना करता है। वो पालना का कार्य पूरा हुआ 68 में 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनने वाले थे मुट्ठी भर वो तैयार हो गए, और जो आतताई ब्राह्मण है वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अभी भी कुर्सियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आज की गवर्नमेंट, देश विदेश में जो भी गवर्नमेंट बनी हुई है, वहां एक लड़ाई चल रही है, हर देश में लड़ाई चल रही है, कुर्सी की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई। ये सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं कौरव, कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, हम दुनिया को चेंज कर देंगे, हम राम राज्य लाएंगे, बजाय राम राज्य लाने के और ही रावण राज्य बनता चला जाता है। राम राज्य तो राम ही लाएगा। मनुष्य मनुष्य को ज्ञान सिखा करके, योग सिखा करके, या कोई भी दुनिया भी पढ़ाई पढ़ा करके श्रेष्ठ नहीं बना सकता। अभी वो कृष्ण की सोल जो दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में कार्य कर रही थी, वो तो शरीर छोड़ गई, लेकिन राम की आत्मा अभी आखिरी चोले में फिर से ब्राह्मणों की जो संगमयुगी दुनिया तैयार हुई है, उसमें आसुरी ब्राह्मणों का विनाश करने का कार्य कर रही है। जो आसुरी ब्राह्मणों का संगठन है वो खलास होने वाला है और श्रेष्ठ ब्राह्मण बचे रहेंगे। आसुरी ब्राह्मणों में कोई काम विकार का विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं, कोई क्रोध का, कोई लोभ का, कोई अहंकार का, ये विशेष विशेष आत्माएं हैं जिनमें ये 5 विकार परसेंटेज में भरे हुए हैं। 100% वाले भी कोई होंगे, तो जो 100% में 100% जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरे हुए होते हैं, वही आत्माएं रावण के मुख के रूप में दिखाई जाती है। 5 विकार पुरुष रूप में, 5 विकार स्त्री रूप में। अकेले पुरुष के भी विकार काम नहीं करेंगे, अकेले स्त्री के भी विकार काम नहीं करेंगे, दोनों इकट्ठे होते हैं तो माया रावण बन जाता है। ये जो चित्र बनाए जाते हैं चरित्र की यादगार होते हैं। जरूरी सृष्टि पर
कोई मनुष्य है कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी जिन्होंने इस सृष्टि पर इकट्ठा होकर के संगठित राज्य किए, संगठित रूप में सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रावण ने वायु देवता को, अग्नि देवता को अपनी चारपाई की पाटी से बांधा हुआ था, उनसे जब चाहे वो कार्य लेता था, दास दासी बना करके रखा हुआ था। आज का विज्ञान जो अंतिम 200 वर्ष में चमत्कार कर रहा है वो रावण राज्य की देन है। एक स्विच दबाओ हवा अपना काम करने लगती है, एक उंगली का इशारा करो एटम बम फटने लग पड़ते हैं, अग्नि अपना काम तांडव नृत्य करने लग पड़ती है। तो देवात्माएं अभी दास दासी बनी हुई है रावण संप्रदाय की। अभी भगवान बाप आकर के कहते हैं तुम बच्चे तो भारतवासी देवताएं थे, तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, तुम जो देवताएं थे अब आसुरी धर्मों विदेशियों के चक्कर में आते आते तुम असुर बन गए, अब अपने आसुरीपन को त्यागने के लिए अपन को आत्मा समझो और आत्मा की प्रैक्टिस करते करते परमात्मा बाप मुझको याद करो, पहचान करके याद करो, मेरी पहचान मैं ही आकर के देता हूं, मेरी पहचान कोई दूसरा नहीं दे सकता। मनुष्य गुरुओं ने अगर भगवान की पहचान दी होती तो उन्होंने भी भगवान से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाया होता। मनुष्य गुरुओं को भगवान की पहचान नहीं है, भगवान स्वयं आकर के ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्तियों के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होता है और अपनी पहचान देता है। ब्रह्मा के द्वारा पहचान मिली लेकिन ब्रह्मा के द्वारा कार्य अधूरा होता है, कार्य अधूरा होता है, कार्य संपन्न नहीं होता, इसलिए फिर दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है शंकर। शंकर माना मिक्स, राम की सोल जो त्रेता युग में राम कही जाती है वही जन्म के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होती है। कौन कौन सी आत्माएं उसमें मिक्स होकर के कार्य करती है, एक तो शिव नेत्र के रूप में परमात्मा शिव प्रवेश करता है, तीसरा नेत्र, दूसरा अधूरे चंद्रमा के रूप में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करता है, जिसकी ज्ञान की रोशनी में कीड़े मकोड़े भी पलते रहे और अभी भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पल रहे हैं। वो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं ब्रह्मा का भी हार्ट फेल कर दिया और अभी सारी सृष्टि को त्रास देने का ऐसा कार्य कर रहे हैं जिन्हें कोई पहचान ही नहीं पा रहा, तो वो अधूरा चंद्रमा शंकर के मस्तक पर विराजमान दिखाया जाता है, वो उस आत्मा की प्रवेशता की निशानी है। जिनका अकाले मौत होता है वो सूक्ष्म शरीरधारी बन जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं किसी न किसी में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाती है। ब्रह्मा की भी सोल अभी कोई वापस नहीं चली गई सृष्टि रूपी रंगमंच से, वो इसी सृष्टि पर है और राम के व्यक्तित्व में प्रवेश करके वो चंद्रमा के रूप में अभी भी पार्ट बजाए रही, अर्धचंद्र, जिसको दूसरे धर्म के लोग बहुत मानते हैं, खास करके मुसलमान, उनके झंडे में उनकी स्मृति राष्ट्रीय चिन्हों में आधा चंद्रमा दिखाया जाता है। कहां की यादगार है, इस समय की यादगार। क्यों, वो सूर्य को क्यों नहीं मानते, चंद्रमा को क्यों मानते हैं, क्योंकि जो आसुरी प्रकृति होती है, आसुरी प्रकृति के जो बच्चे होते हैं
वो माँ को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, बाप से डरते हैं, क्योंकि बाप उनके चंबे में आने वाला नहीं। माँ को कंट्रोल करके माँ को अपने तरीके से चलाते, माँ के तो प्राण पखेरु उड़ गए। अब ज्ञान सूर्य शिव शंकर के नाम रूप से ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में प्रत्यक्ष होता है, इसलिए शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। नाम दो है शिव और शंकर, काम दो है शिव अर्थात कल्याणकारी, बोलेगा वो भी कल्याणकारी, देखेगा वो भी कल्याणकारी, कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा वो भी कल्याणकारी, इसलिए उसका नाम है शिव। और शंकर सारे संसार का संहार कर देता है, कराए देता है, उसका नाम है शंकर। तो नाम भी के अर्थ भी अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिला के एक क्यों कर दिया? क्योंकि जो राम की आत्मा है उस निराकार शिव की इतनी गहरी याद में रहती है कि वो शिव समान हो जाती है, इसलिए शिव शंकर को मिला के एक किया जाता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से किसी को मिला करके एक नहीं किया गया, शिव के साथ मिला करके सिर्फ शंकर को एक किया गया। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिवरात्रि कही जाती है, शंकर रात्रि नहीं कही जाती, क्योंकि राम की आत्मा तो जन्म जन्मांतर जन्म लेती चली आई, सृष्टि तो परिवर्तन नहीं हुई। शिव तो सिर्फ है कलयुग के अंत में एक ही बार आकर के जन्म लेता है, एक ही बार जन्म लेकर के एक बार में ही कलयुगी पाप की दुनिया झूठ की दुनिया को पलट करके पुण्य आत्माओं देवताओं की दुनिया सचखंड सतयुग स्थापन करके जाता है। और मनुष्य गुरुओं ने तो बुद्धि को घोटाले में डाल दिया, उन्होंने उल्टी पढ़ाई पढ़ा दी। सतयुग में भगवान आता है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, अरे वहां तो 16 तरह संपूर्ण सतयुग होता है, सत्य सत्य ही सत्य होता है, वहां क्यों आएगा? त्रेता में राम के रूप में आया, अरे राम का राज्य कितना गायन था, कितना अच्छा था, सुखी ही सुख था, राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, वहां रावण कहां से आ गया? द्वापर युग में कृष्ण के रूप में भगवान कैसे आ गया? वो भी द्वापर के अंत में आकर के क्या कलयुग स्थापन करने के लिए आया, महाभारत युद्ध कर आया और कहते कलयुग स्थापन हो गया, अरे भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? नहीं, ये सब बितंडावाद है। भगवान सिर्फ आता है कलयुग के अंत में, जब दुनिया बिल्कुल बदतर हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बहुत बढ़ जाते हैं, तब भगवान इस सृष्टि पर आता है। किसी के कंट्रोल के बस की बात नहीं है, चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक विवेकानंद गांधी जी कोई भी आए हो, सब पतन के गर्त में चले गए और दुनिया भी पतन के गर्त में चली जाती है, कोई का बस नहीं चलता। तब अंत में भगवान आकर के इस सृष्टि का उत्थान करने के लिए ब्राह्मणों की रचना करता है ब्रह्मा मुख से, और वो ब्राह्मणों में जो सूर्यवंशी ब्राह्मण है वो परमात्मा बाप के पक्के पक्के सच्चे साथी बनते, ज्ञान सूर्य की औलाद। सूर्य क्या करता है? अपने को जलाता है और दूसरों को रोशनी देता है, खुद दुख सहन कर ले लेकिन दूसरों को सुख एवज में दे करके जाए, ऐसी तपस्वी आत्माएं चाहिए भगवान को। तो ऐसी तपस्वी आत्माएं वो पांच पांडव कही जाती है। वो पांच पांडव, पांच पांडव ही बनकर के नहीं रहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि दुनिया की आबादी 18 अक्षोणी, और पांडवों की संख्या 5 से बढ़कर के 7 अक्षोणी हो गई थी। और संख्या
तो ऐसे नहीं कि पांच ही रहेंगे, सारी दुनिया सच्चाई को पसंद करती है। थोड़े समय के लिए सच्चाई दबाई जा सकती है एडवर्टाइजमेंट करके। भारतीय परंपरा में ज्ञान योग का एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं माना जाता। जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आत्माएं घुसी हुई है, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं। मेले करो, मेगा प्रोग्राम करो, कॉन्फ्रेंस करो, ये करो वो करो, पब्लिक के पैसे से मस्ती करो, ये सब कुछ करने की दरकार नहीं। भगवान तो आकर के ऐसा ज्ञान देता है जिसमें पाई पैसे का भी खर्चा नहीं। जहां जहां युगल मूर्त पति पत्नी बैठे हुए हैं, वो अपने घर में बैठ करके गीता पाठशाला चले। एक कमरा है तो एक कमरे में ही खाना बनाएं, सो जाएं और सवेरे को सफाई करके उसमें गीता पाठशाला खोल दें। चार छह आत्माएं मोहल्ले की आकर के ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करें, परमात्मा की याद की प्रैक्टिस करें, इसमें क्या खर्चा है? कोई खर्चे की दरकार नहीं। तो वो पाई पैसे से सनातन धर्म की स्थापना का कार्य परमात्मा बाप, जिसे कहा जाता है गरीब निवाद, वो गरीबों को उठाता है, गरीबों को साहूकार बनाता है। आज की दुनिया के जो साहूकार हैं वो तो ज्ञान सुनते ही नहीं। आज की दुनिया का हाल ये है कि जो गरीब हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो साहूकार हैं वो साहूकार होते चले जा रहे हैं। उनकी इच्छा है कि एक ही दिन में हम करोड़पति बन जाएं। भगवान बाप आकर के कहते हैं ये जो धन संपत्ति बैंकों में इकट्ठी की जा रही है, इसके चार अंजाम होंगे। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले जाएंगे चोट्टा और किसकी आग जलाए। धन संपत्ति सफल ही उनकी होगी जो आए हुए प्रभु के कार्य में आप लगावेंगे। प्रभु के कार्य में लगाने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को दे दो या ब्राह्मणों को दे दो, नहीं, ईश्वरीय सेवा खुद करना है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना कार्य अपने हाथ से जितना अच्छा होता है दूसरे के द्वारा उतना अच्छा कार्य नहीं होता है। मन बुद्धि में विकारी मनन चिंतन मंथन चलता है भ्रष्ट इंद्रियों का, तो बुद्धि विकारी है, मन मिट्टी का पात्र है। जो शरीर मिट्टी का पात्र होगा उसमें वो शीर्ण शेरनी का दूध नहीं थमेगा। जो ब्रह्मा के रूप में एक शेर दिखाया जाता है तिरंगे झंडे में, नोटों में भी वो तीन शेर दिखाए जाते हैं, झंडे में भी वो तीन शेर का चित्र दिखाया जाता है, वो तीन शेर ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे शेर हैं जिन्होंने ज्ञान की दहाड़ मार करके दुनिया को चेंज कर दिया। संसार रूपी जंगल जो कांटों का जंगल बन गया है उसे फूलों का बगीचा बना दिया। किस कीमत पर? एक शिव निराकार की मत। वो शिव निराकार एक ही ऐसी आत्मा है, वो भी ज्योति बिंदु, हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु है, हम बिंदु बिंदु आत्मा का वो बाप है, परम पिता है, उसका कोई पिता नहीं। वो बाप आकर के हम आत्माओं को परिवर्तन करता है, बुद्धि योग सिखा करके, राजयोग सिखा करके। वो राजयोग सिखाने आया है, पहले सहज और साधारण रूप में आता है, बाद में फिर अर्जुन को अपने विकराल रूप का भी साक्षात्कार कराता है। कहते अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन हुआ। तो जब विकराल रूप का साक्षात्कार कराता है तो अर्जुन अपने हथियार छोड़ देता है, अब मैं कोई जिरह नहीं करूंगा। अभी वो
निराकार ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आया हुआ है। ब्रह्मा के तन में आया, माउंट आबू से जो वाणी उच्चारण की वो ब्रह्मा ने बड़ी मां माने मां बड़ी मां का रूप था। आसुरी बच्चे जो होते हैं वो मां की बात को तो मानते ही नहीं, मां के ऊपर और हावी हो जाते। इसीलिए ब्रह्मा का हार्ट फेल हो गया। इसी पहली ने ऐसा ज्ञान बात का तीर मारा जो उनका हार्ट फेल हो गया। शास्त्रों में भी ये गायन है कि कृष्ण के अंतिम समय में कोई बहेली ने उनके पांव में तीर मारा, पांव से कहीं पहुंचा जाता है, कहते है तुम्हारे पांव वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक गुरुजी के पांव पहुंचे हुए। पांव का मिसाल बुद्धि से दिया जाता है, जैसे पांव से पहुंच होती है वैसे बुद्धि से भी पहुंच होती है। तो ये शास्त्रों में कवियों ने कविताएं लिखी है रूपक वाली, उनके अर्थों को कवि समझते थे, या तो अंत में जब कलयुग के अंत में ज्ञान सूर्य रवि आता है तो वो उनके सही अर्थ बताते हैं। वो कवि जिन्होंने वो कविता रची वो तो कविता रच के चले गए, 2,500 साल हो गए उन शास्त्रों को रचे हुए। मनुष्य विकारी बनता चला गया, विकारी बुद्धि से उन्होंने विकारी इंटरप्रिटेशन कर दिए, उन शास्त्रों की विकारी व्याख्याएं कर दी, पतन होता गया। अभी वो ज्ञान सूर्य रवि सृष्टि पर आया हुआ है, सारी सृष्टि को परिवर्तन करके जावेगा। ऐसे नहीं कि वो ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना के चला जाता है, फिर पति सृष्टि को पावन बनाने के लिए कोई दीदी दादी दादाएं आते हैं जो आकर के उसको परिवर्तन करते हैं, ये भी उनके बुद्धि का अहंकार है। कितना अहंकार दिखाते हैं, त्रिमूर्ति को गायब करते जा रहे हैं। और अपनी 3 मूर्तियां पोस्टरों में छपाते चले जा रहे हैं, ऊपर शिव निराकार का चित्र लगा देते हैं, बड़े बड़े मेले मला खड़े बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करते चले जा रहे हैं, वो भी पब्लिक के पैसे से भीख मांग मांग करके। भगवान ने भले वाणी में बोला है मांगने से मरना भला, कोई ईश्वरीय कार्य स्वतः है अगर देता है तो उसका पैसा सफल करना है, बाकी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, भीख नहीं मांगना, इशारे से भी नहीं मांगना। ब्राह्मणों का काम मांगना नहीं है, ब्राह्मण जो सच्चे होते हैं वो तो भगवान के बच्चे होते हैं, वो तो दाता है, दुनिया को देने वाले हैं। उन ब्राह्मणों की आज भी पूजा होती है, हैं तो झूठे ब्राह्मण, सिर्फ परंपरा चली आ रही है। सच्चा ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद होता है, ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण भी नहीं, झूठे ब्राह्मण ब्रह्मा के शरीर को महत्व देते हैं, और जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को महत्व देते हैं, क्योंकि वो वाणी निराकार शिव की वाणी है। वो कहे जाते हैं मुखवंशावली ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण, और जो ब्रह्मा के चोले को बहुत महत्व देते हैं, शरीर को बहुत महत्व देते हैं, शरीर से चिपके रहते हैं, शरीर से प्राप्ति करते हैं, वो है कुकवंशावली। उन्होंने गोद का रस लिया है, वाणी का रस नहीं लिया। अभी वो साफ क्लियर होने वाला, वो कुकवंशावली रावण कुंभकर्ण मेघनाथ कौन कौन है वो चेहरे अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं।
और वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे जो मुट्ठी भर है वो भी प्रत्यक्ष होने वाली। कौरवों की संख्या कितनी दिखाई जाती है और पांडवों की संख्या कितनी दिखाई जाती है? पांडव उंगलियों पर गिने जाने योग्य पांच दिखाई जाते हैं। पांच नहीं होते हैं हमेशा। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि पांच पांडवों से बढ़कर के सात अक्षौणी हो गए। पहले सारी दुनिया 18 अक्षौणी थी, उसमें से सात अक्षौणी पांडव निकल पड़ते। पंडे की औला, पंडा कहा जाता है जो तीर्थ यात्रा कराता है, तीर्थ, तीर माना किनारा लगाना, किनारा, था माने स्थान, किनारे लगाने का जो स्थान दिखाता है, एक किनारे लगा देता है। क्या हम भवसागर में पड़े हुए हैं? क्या विषय वैतरणी में पदे पड़े हुए हैं? क्या हा? सारी दुनिया विषय वैतरणी में पड़ी हुई, सारी दुनिया सागर में पड़ी हुई है, विषय सागर में। भगवान आता है हमारी शरीर रूपी नैया को एक किनारे लगाता है, इसलिए वो पंडा है। असली पंडित वो है, वो पंडा आता है तो उसके जो बच्चे बनते हैं सच्चे अर्थों में ब्रह्मा के मुख से पैदाइश होने वाले, वो पांडव कहे जाते हैं। अभी वो पांडव तैयार हो रहे हैं और ये भी बता दिया कि ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। किला माना संगठन, जैसे ईंटें होती है संगठित की जाती है तो किला तैयार हो जाता है, महल तैयार हो जाता है, तो ऐसे ही ये चैतन्य ईंटों का महल तैयार हो रहा है। भगवान स्वयं आकर के ये किला तैयार कर रहा है। ये किला तैयार होगा, पहले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो ईंटें हैं, चैतन्य आत्माएं हैं, उनका संगठन तैयार होता है। किला कहो, माला कहो, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें माला न घुमाई जाती है। ये माला के मणके आत्मा रूपी संगठन की यादगार है। जिन श्रेष्ठ आत्माओं को भगवान ने आकर के राजयोग ज्ञान सिखा करके संगठित किया, माला बनाई, वो माला सब धर्मों में सिमरी जाती है, स्मरण की जाती है। आज भी क्रिश्चियन लोग भी माला घुमाते हैं, मुसलमान लोग भी माला घुमाते हैं, यहूदी भी माला घुमाते हैं, पारसी भी माला घुमाते हैं, बौद्ध भी माला घुमाते हैं, जैनी भी माला घुमाते हैं। उनसे पूछा जाए इस माला का ऐसा क्या महत्व है जो हर धर्म में माला की इतनी मान्यता है? माला है संगठन रूपी माला, जो भगवान ने आकर के श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाया था। उस संगठन में सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं आठ। हमारी भारतीय परंपरा में जो भी अनुष्ठान किया जाता है उस अनुष्ठान में उन आठ नौ आत्माओं को आज भी पूजा जाता है। कोई भी अनुष्ठान करेंगे, मरने के पहले करेंगे, मरने के बाद करेंगे, शादी ब्याह में करेंगे, यज्ञोपवीत में करेंगे, वो नवग्रह पूजे जरूर जाते हैं। वो आसमान के ग्रह है जड़ सितारे, ये है धरती के चैतन्य सितारे। वो आसमान के जो सितारे ग्रह नक्षत्र हैं, वो दुनिया को चलाने वाले नहीं है। दुनिया चैतन्य के द्वारा चलाई जाएगी या जड़ के द्वारा चलाई जाएगी? दुनिया का परिवर्तन चैतन्य आत्माओं के द्वारा होगा या जड़ जड़त्व के द्वारा होगा? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़त्व में ज्यादा ताकत होती है? चैतन्य आत्मा में ज्यादा ताकत, लेकिन उस आत्मा में
जो आत्मा सोई हुई पड़ी है अज्ञान निद्रा में, उसमें ये ताकत नहीं है, वो ताकत नहीं आ सकती। जो आत्मा जागृत हो जाती है, ईश्वरीय ज्ञान में जागृत हो जाती है, वो आत्मा में वो शक्ति आ जाती है कि वो अपने को तो क्या सारी दुनिया को परिवर्तन कर सकती है। इसलिए आज भी गायन चला आ रहा है, भारत की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट भी गीत गा रही है, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओम शांति। यह देह अभिमान जन्म को जानेगा, कौन जानेगा है? यह आत्मा जो ज्योति बिंदु बैठी हुई है शरीर के अंदर प्रकृति में, यह आत्मा जो यहाँ टिकी हुई है, ये आत्मा जानेगी या देह जानेगी? आत्मा जानेगी ना। तो देखो अपने को अंदर, अपने अंदर ये देखो कि 24 घंटे में ये आत्मा सितारा कितनी देर याद रहता है। इस याद की प्रैक्टिस कितनी की है? बाबा ने टाइम तो बता दिया कि इस स्मृति में कितना टाइम रहना है, कम से कम 8 घंटा ये स्मृति हो जाएगी तो अपने जन्मों की थ्योरी अपनी आत्मा के अंदर खुलने लगेगी। तो वो एकाग्रता आई है, आ गई, आ रही है। कितने घंटे की आ गई वो पता नहीं, पता लगा, काउंट करो, चेकिंग करो, चेंज करो, चेकिंग करेंगे तो चेंज होगा है। इसलिए बाबा बताते हैं रोज शाम को अपना एक चौपड़ा बनाओ, उसमें 5 मिनट सोने से पहले लिखो। आत्मिक स्मृति में सारा दिन कितना रहे, जन्मोई करने में कितना टाइम वेस्ट किया, सोने में कितना टाइम लगाया। बाबा ने तो टाइम ये भी बता दिया कि योगियों की नींद होनी चाहिए 4-5 घंटे की सॉलिड नींद। जिन आत्माओं के कर्मों के ऊपर हमको जीत प्राप्त हो जाती है, उन कर्मों के युद्ध में वो आत्माएं हमसे हार जाती है, हम श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं और वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाती। तो उनको माँ बाप के रूप में जन्म मिलता है और हमको बच्चे के रूप में उनका बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा जो है वो राजा महाराजा बन जाता है माँ बाप का, और माँ बाप उसके दास दासी बन जाते हैं। जन्म देते हैं, 9 महीने पेट में धारण करते हैं, पढ़ाई लिखाई पढ़ाते हैं, सारे जीवन की कमाई अंत में उनको सौंप देते हैं। तो इससे बढ़िया दास दासी कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जहां जीत हुई वहां जन्म मिला। हैं? तो हैं? इस जन्म एक पति पत्नी सिर्फ है। जो सतयुग त्रेता के 21 जन्म होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, सब आत्माओं के तो होंगे नहीं। तो जिन आत्माओं के 21 जन्म होंगे उनको 21 जन्म का सदा साथ का प्रैक्टिकल अनुभव 21 जन्म तक वो बाप की गारंटी। वो लौकिक बाप होते हैं, एक जन्म के लिए संगी साथी बनाते हैं, ये पारलौकिक बाप गारंटी देता है 21 जन्म तक तुम सदा साथ रहोगे। उसके बाद तो कोई हर युग में थोड़े ही साथ मिलता है, हर युग में भी साथ मिल सकता है, लेकिन 84 जन्म सदा कोई साथ नहीं दे सकता। ये सिर्फ शंकर पार्वती का गायन है क्या? ऐसी पार्वती पार लगाने वाली कोई बने कि जन्म जन्म लग रगर हमारी, बरो शंभु
न तो रहो कुंवारी। बाकी सब नंबर बात के आदि में बुझे नहीं पाई। यज्ञ के आदि में अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, तो सतयुग की बादशाही किसको मिल गई? सतयुग की बादशाही। जो नई दुनिया बनेगी उसमें पहला बादशाह कौन बनेगा? कृष्ण वाली सोल बनेगी ना? तो जीत पाई ना। उन्होंने तो संगम युग में भी चैन की बंसी बजाई और सतयुग में भी चैन की बंसी बजाएगी। और भरी कौन होता है? रोडपति कौन बनता है? गली गली में चक्कर कौन काटता है? राम वाली आत्मा या कृष्ण वाली आत्मा? राम वाली आत्मा गली गली में रोड रोड में चक्कर काट रही। तो कृष्ण की आत्मा कोई ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं वो तो सबको स्पष्ट है। माँ के रूप में पाठ बजाया, सहन शक्ति का पाठ बजाया। आसुरी बच्चे जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन धर्म से कन्वर्ट होकर के आकर के ब्राह्मण बन गए, क्योंकि हिंदू ही दूसरे धर्मों में हमेशा कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म के कभी हिंदू नहीं बने हैं। हिंदुओं की जनसंख्या कम क्यों हुई? क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। वही कन्वर्ट हुई आत्मा माउंट आबू में जाकर के ब्राह्मण बन गई। नौ कुलों के ब्राह्मण गए या गाए जाते हैं। एक तरह के ब्राह्मण नहीं है, उनमें आसुरी ब्राह्मण भी है। तो जो ब्राह्मण वहां इकट्ठे हो गए उनमें सब 84 जन्म लेने वाले नहीं बनेंगे। एडवांस में भी आसुरी ब्राह्मण होते हैं ना बाबा? एडवांस में भी एडवांस है बीज रूप आत्मा है। और जो बेसिक नॉलेज है वो है जड़ आधार मूर्त आत्मा है। जड़ों में ज्यादा पावर होती है, बीज में ज्यादा पावर होती है। बीज में, बीज का कभी नाश नहीं होता, जड़ें तो सड़ भी जाती है। बीज रूप आत्मा जो भी है उनकी संख्या बता दी है। कितनी है? पहले जन्म में आधे होंगे जन्म लेने वाले और आधे होंगे जन्म देने वाले। तो उनमें बीज कौन हुए? हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। तो जो ज्ञान का बीज बोते हैं वो ही पिता स्वरूप आत्मा है। 84 जन्म लेने वाली वो ही एडवांस पार्टी। उसमें 70 है के हैं। आसुरी धर्मों के भी बीज हैं। देखो विष्णु पार्टी निकली हुई है, भस्मा स्वरूप बनकर के पीछे पड़ी हुई है। कंसी, जरासंधी, रावण, मेघनाथ, ये कहीं दूसरी जगह के नाम थोड़े ही है। ये सब ब्राह्मणों की दुनिया के नाम है।